ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, पर उनका जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब भी वे कोई कदम उठाते हैं उनका किसी चीज के साथ टकराव हो जाता है। किसी भी घूमने वाले भाग को गोल बनाया जाता है क्योंकि गोल चीज कम से कम टकराव के साथ घूमती है। सुदूर पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में आत्मज्ञानियों को एंची कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोल हैं। वे जो भी चीज खाते हैं वो बस भस्म हो जाती है और उससे शरीर नहीं बनता बल्कि ऊर्जा का दूसरा आयाम बन जाता है। बंध शब्द का अर्थ है रोक लेना, मतलब आप शरीर में कुछ रोक लेते हैं ताकि आपकी ऊर्जा एक खास तरीके से बर्ताव करे। बंध क्यों लगाएं? ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपने ओजस शब्द सुना है? O-J-A-S, ओजस? नहीं? ठीक है, ओजस शब्द का अर्थ है ऊर्जा का एक अभौतिक आयाम, मतलब आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अभौतिक आयाम पैदा कर सकते हैं। अगर आपके चारों ओर ओजस है तो संसार से आपका गुजरना जीवन से होकर गुजरना बहुत आसान हो जाता है, मतलब आप कम से कम टकराव के साथ गुजर जाते हैं। सुदूर पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में आत्मज्ञानियों को एंची कहा जाता है। एंची शब्द का अर्थ है चक्र। आपकी कार में किस तरह के पहिए हैं? गोल पहिए हैं या चौकोर पहिए या त्रिकोण पहिए? आपके पहिए कैसे हैं? ओ, पर त्रिकोण पहिए निश्चित रूप से ज्यादा तरंग वाले होंगे, है ना? गोल पहिए क्यों? क्योंकि टकराव कम से कम होगा। ये कम से कम टकराव के साथ घूमते हैं। किसी भी घूमने वाले भाग को गोल बनाया जाता है क्योंकि गोल चीज कम से कम टकराव के साथ घूमती है। सुदूर पूर्वी एशियाई संस्कृतियों में आत्मज्ञानियों को एंची कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोल हैं। इसलिए नहीं कि उनका शरीर गोल है, क्योंकि वे कम से कम टकराव के साथ जीते हैं, बहुत चिकनाई के साथ। शायद आपके पास एक शानदार कार हो, आप इंजन ऑयल निकाल दीजिए फिर चलाइए। आपको क्या लगता है कि आपकी कार कितना लंबा चलेगी? आपकी जैगुआर, वो कितना लंबा चलेगी अगर आप इंजन ऑयल निकाल दें? शायद 10 मिनट, 15 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। तो चिकनाई बहुत जरूरी है, किसी भी चलने वाली चीज में चिकनाई बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप दुनिया में गुजरना चाहते हैं तो बिना अच्छी चिकनाई के आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर कदम एक परेशानी बन जाएगा, क्योंकि चिकनाई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, वे बुद्धिमान हैं, वे काबिल हैं, वे योग्य हैं, पर उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, क्योंकि जब भी वे कोई कदम उठाते हैं तो उनका किसी न किसी चीज के साथ टकराव हो जाता है। तो अगर आप अपने चारों ओर एक निश्चित मात्रा में ओजस विकसित कर लें तो आप इस अस्तित्व से कम टकराव के साथ होकर गुजरेंगे। आपका संघर्ष जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा चीजें आप करना चाहेंगे, है ना? हाँ, आप स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजें करने का साहस करेंगे अगर आप में टकराव की समस्या ना हो तो। पर अगर हर दिन आप बाहर जाकर किसी न किसी संघर्ष में पड़ जाते हैं तो कल आप कदम उठाने में संकोच करेंगे। हर समय यही हो रहा है ना? जब आप ओजस विकसित करते हैं, अगर आप ओजस विकसित करना शुरू कर देते हैं तो एक चीज आपके साथ ये होगी कि शरीर का अतिरिक्त भार अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप योग केंद्र आए तो आप देखेंगे कि कुछ लोग कुछ खास समय पर एक खास तरह की साधना में होंगे या खास तरह का भीतरी कार्य कर रहे होंगे। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तब हम उन्हें बिल्कुल अलग रखते हैं, क्योंकि जिस तरह वे खाते हैं लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। वे सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा खा जाते हैं, बहुत सारा भोजन, पर उनका वजन कम होता जाता है।
हम उन्हें ज्यादा फैट वाली डाइट देते हैं, घी, दूध, मक्खन वगैरह। इसके बावजूद उनका वजन लगातार कम होता जाता है, सिर्फ इसलिए कि वे ऊर्जा के भौतिक आयाम को अभौतिक आयाम में बदल रहे हैं। Whatever they consume is just burnt and it doesn't become body, it becomes another dimension of energy. जो कुछ भी वे खाते हैं वो बस जल जाता है और वो शरीर नहीं बनता, वो ऊर्जा का दूसरा आयाम बन जाता है। योग में हम इसे धरती से चुराना कहते हैं, क्योंकि फिलहाल आपके पास जो कुछ भी है, आपके शरीर का भार वो चीज है जिसे आपने धरती से उधार लिया है। धरती माँ खुले दिल से उधार देती है, आप जितना चाहें उतना उधार ले सकते हैं, अगर आप उसे ढो सकते हो तो। पर जब वापस देने का समय आता है तो वो एक एक अणु इकट्ठा करेंगी। अगर आप कहें मैं यहां बहुत लंबे समय से रहा हूं, मुझे एक अणु यादगार के तौर पर रख लेने दें, तो सौदा नहीं होगा, वो हर अणु को वापस लेंगी। इसलिए इसे धरती से चुराना माना जाता है, क्योंकि अब आप ऊर्जा के भौतिक आयाम को अभौतिक आयाम में बदल रहे हैं। अब वो आपको नहीं रोक सकती, आप उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये एक लंबी यात्रा के लिए पैकिंग करना है, इस तरह कि धरती मां को पता न चले, नहीं तो वो इसे वापस ले लेंगी। अगर ये भौतिक रूप में होगा तो वे इसे फिल्टर कर लेंगी, अगर ये अभौतिक रूप में होगा तो धरती इसे वापस नहीं ले सकती। अब आप शांभवी कर रहे हैं, अगर आप रोज कर रहे हैं तो आप ओजस विकसित कर लेंगे, थोड़ी मात्रा में ओजस। अचानक सब कुछ आपके लिए आसान बन जाएगा, ये बस हो जाता है। अगर आप में ओजस नहीं है, आप में बाकी सारी क्षमताएं हो सकती हैं, पर सिर्फ टकराव के डर के कारण आपके सामने रुकावट आएगी। मुझे लगता है दुनिया की 80% आबादी के साथ ऐसा ही है, वे बंधे हुए हैं हमेशा इस बात के डर से कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। वे जहां भी जाएं उनके साथ बुरे अनुभव होते हैं। अगर वे कदम उठाकर थोड़े उत्साह के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कल सुबह थोड़ा टकराव होता है और वे पीछे हट जाते हैं। मुझे लगता है 80% आबादी ऐसी है, क्या होगा इस बात के डर से वे आधे अधूरे कदम उठाते हैं, अपने जीवन में कभी पूरा कदम नहीं उठाते। तो ओजस या ओजस पैदा करना आप जीवन में जो कर रहे हैं उसमें सफलता पाने का बहुत महत्वपूर्ण भाग है।